जी दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं ब्यूटीफुल स्टेप्स। इतने ब्यूटीफुल स्टेप्स हैं, ये स्टेप करके आप वो मचाइए। कैसे मचाना आपको, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया और बस बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आप लोगों का ही फायदा है। मेरे चैनल पे आप जुड़े हैं, सब्सक्राइब के बटन को पहले प्रेस कर लीजिए, फिर भूल जाते हो, बार बार ही याद दिलाना पड़ता है आपको। देखो ये स्टेप ना हर कोई कर सकता है, काफी सारी महिलाएं हमें यही कहती हैं। हमें कुछ ऐसे स्टेप बताइए जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हो और थोड़ा सा घूम भी सकते, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और जो मेरे साथ डांस सीख रही हैं वो तो काफी स्टेप सीख चुकी हैं, तो हम उनके लिए ऐसी वीडियो बनाती हैं जो खड़े खड़े ही डांस के स्टेप आराम से कर सकते हो, चाहे आपकी एज 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो। ओके, एज मैटर नहीं करता। आपने डांस के स्टेप अच्छे से कर लिया, आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी, आपके बॉडी में कोई पेन नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स कैसे करना है। और पहले आप नोट कर लीजिए डायरेक्शंस के बारे में। ओके, देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ये मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, कई लोग भूल जाते हैं। और इस साइड को राइट बोलते हैं कुछ लोग, इस साइड को लेफ्ट बोलते हैं। देखो जहां से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मेरा राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है। ओके, जैसे मैं स्टेप रेडी करती हूँ वैसे ही पैर उठाना है और वैसे ही हाथ चलाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करती हूँ लेफ्ट वाले पैर को उठाऊंगी। देखो आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, 1 2 1 2 1 2, बस अपने खड़े खड़े हल्का हल्का ये पैर चलाना ऐसे, ठीक है? ये तो हर कोई कर सकता है, बस कोई आपने कोई हमने अपने जोर नहीं देना पैर, बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? अब देखो इस पैर, इस स्टेप्स को अपने अट्रैक्टिव बनाना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा बैंड होएंगे ना, बैंड होएंगे और लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये स्टेप बैंड होकर करिए, बहुत सुंदर लगता है। याद रखिए इस स्टेप को अगर आपने सीख लिया ना, बस कोई भी गाना चलेगी, देखो कैसे आपके डांस की तारीफ की होगी। ये देखो दोनों हाथ कमर पे देंगे, फिर से देख लो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको आपने कितनी बार करना है, 20 टाइम्स की स्लो मोशन में करना है, फिर 30 40 50, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे स्टेप में ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मैं फर्स्ट स्टेप अच्छे से आपको बताती हूँ, देखिए इसमें हमारा जो सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हाथ हमें सीधे रखना है, ठीक है? हाथों को पीछे की तरफ करना है, 1 2 3 4। पहले आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ करना है, 1 2 3 4 5 6। अभी दोनों हाथ यहाँ पे होंगे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड यहाँ, ठीक है? लेफ्ट हैंड मेरा स्ट्रेट रहेगा, जो राइट वाला है यहाँ जो हम बैंगल्स पहनते हैं ना, यहाँ पे हाथ, 1 2, ये तो हर कोई कर सकता है। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर हमें देखना है और हाथों को पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जब हम हैंड मूवमेंट्स ऊपर की तरफ करते हैं ना, तो हमारा फेस का एक्सप्रेशन भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब हमने पैर चलाना है, ठीक है? क्योंकि ये सब हमने झुक कर तो नहीं करना ना, तो ये खड़े होकर करना है, तो पैर चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच बीच में आप ऊपर देखिए, बीच बीच में आपने सामने की तरफ देखना है, चाहे ढोल बजे कोई भी गाना बजे, देखो ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक ढिंग लक, ये बन गया ना स्टेप, थोड़ा सा मैंने गुनगुना दिया तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी म्यूजिक लगा लीजिए, आप स्टेप को अच्छे से रेडी कर लीजिए, इस वीडियो को आप सेव करो, शेयर करो। बस आपने कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, हर रोज 15 दिन इस वीडियो को आपने देखना है, 15 दिन लगातार। अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना, फिर आप सब कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी गाना लगा लीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं गाने की कोई भी बीट हो, लूप हो, बस आपने स्टेप को अच्छे से याद कर लेना है और पैर की स्टेप को तरफ, आपने पैर की स्टेप की तरफ जरूर ध्यान देना है। ओके गाइस, तो ये थे मेरे 3 स्टेप। ओके, 3 स्टेप के जरिए से ही आप बहुत सुंदर स्टेप बना सकते हैं। तो ये सारे स्टेप मैं म्यूजिक में करती हूँ, तो देखिए कैसे लगती है।
चूड़ियां बजाओ के बजाओ कंगना। जब हम स्टेप को अच्छे से याद कर लेते हैं ना डांस परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमारा फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। डांस करते वक्त आपका फेस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे या कितने खुश मिजाज में डांस कर रही है। अगर आप डांस सैड मोशन में करेंगे तो आपके डांस को कोई पसंद नहीं करेगा। सारी चीजों को साइड में रख दीजिए, जब भी डांस करना है खुलकर कीजिए, स्माइल के साथ कीजिए, मस्ती के साथ कीजिए। इतना जोर लगाइए, इतना जोश लगा दीजिए कि सभी आपके डांस को देखकर क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग तब होगी जब आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट वाला एक्सप्रेशन नंबर वन होगा। तो आपने नंबर वन बनाना कैसे है, महीना कोर्स लेना है, आपने मेरे साथ डांस क्लास लेना है, कोर्स लेना मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी करी हैं, नंबर दे रखे हैं, कॉल कर सकते हो और मैं आपको डांस क्लासेस दूंगी। बेसिक स्टेप सीखिए जीरो से, हाथों के स्टेप, पैरों के स्टेप, कमर के स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी औरतें ऐसे सोचते हैं, यार मुझे ना डांस नहीं आता है, मेरे से डांस नहीं होता, क्या मैं डांस कर पाऊंगी। आप सोचो कोई भी चीज, आप कोई भी नई चीज करते हो, कोई भी काम करने जाते हो तो एकदम नहीं आता ना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक बच्चे को चीज सिखाते हो तो टाइम लगता है, इसी तरह से आपने भी डांस के स्टेप स्लो मोशन में धीरे धीरे करना है। बस धैर्य बनाए रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। ये मैं आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ, जितना आप हमारी वीडियो को देखेंगे, हमारी वैसे और भी वीडियोस हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, सारी लिंक्स आप वहां पे चेक कीजिए। हर तरह के वीडियो के स्टेप बनाए जाते हैं, नहीं स्टेप आता तो बार बार वीडियो रोक रोक कर देखो तभी आपको आएगा। नहीं फिर भी समझ नहीं आता, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ही ले सकते हो, मैं क्लास दूंगी। ओके, मेरी एक घंटा ही क्लास होती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को सेव करो, हमारे पेज को भी फॉलो करो, अगली वीडियो में और नए स्टेप्स आपके लिए कराऊंगी और सुंदर सुंदर ऐसे स्टेप सीखो कि सभी आपको ही देखकर नाचने लग जाए। थैंक यू जी, बाय बाय।